इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले लगभग 9 साल से ज़्यादा वो केंद्र के मंत्री हैं। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, आ जाती है, या उन्हें मेवात याद आ जाता है। जिस सांसद को कोरोना काल में अपने सांसद के क्षेत्र के अपने सांसदीय क्षेत्र के लोग याद नहीं, जो मेडिकल कॉलेज में जब यहाँ से वेंटिलेटर उठाए जा रहे थे और युवकों ने जो उसका विरोध किया था, जब उन पर मुकदमे बन रहे थे और एक जान बचाने के लिए जो यंत्र थे उसके लिए लोगों ने उसके लिए अपने प्रयास किए थे, उस वक्त सांसद महोदय कुछ नहीं कहा। सांसद महोदय मेडिकल कॉलेज का ये नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, कोई स्थानीय मुद्दे किसी चीज़ के नहीं। उन्हें अभी तक इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि 248 से जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में 2018 में केंद्र सरकार ने मतलब उसको चार मार्गीय करने का उसका प्लान जो है बदल दिया। केंद्रीय मंत्री मैं समझता हूँ जब चुनाव आते हैं, जब उसमें अपनी कुंभकर्णी नींद में से उठ के और उस चीज़ के लिए मेवात की तरफ मुंह कर लेते हैं, जिसके यहाँ की जनता का ना विकास से मतलब। रेल के लिए जितना बड़ा झूठ हमेशा राव इंद्रजीत बोलते हैं, इतना कोई नहीं। केंद्र में हमारी सरकार ने कांग्रेस ने बजट मंजूर कर दिया था और उसकी मंजूरी देते 9 साल में इनसे ना बजट हुआ ना किसी। किस बात का केंद्रीय मंत्री है और यहाँ के किस बात से कहता है विकास का वो कर। जब है जब जनता मौका देगी अब तो पता लगेगी, जनता को सब असलियत पता लग गई है भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर पर अपने सांसद।